आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आग वगैरह जली हुई, जहाँ पे इन्होंने रोटी वगैरह कुछ पकाया होता, ऐसा सिस्टम रहता है दोस्तों। यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे अपना डेरा बस ही उन्होंने किया था रास्ते में, जो कि पड़ता है नाहन से पोटा के बीच, जरूर रास्ता है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिंदगी से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे हैं वो किसी के लिए एक सपना हो सकती है। दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश के गुज्जर, जिनका कि अपना परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, ये 12 महीने यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के नौराधार में, और ये चूड़धार एरिया में रहते हुए दोस्तों, जैसे ही वहाँ पे ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो नीचे गर्म एरिया में जाना शुरू हो रहे हैं। तो ये जाएंगे अभी पोंटा साइड या नीचे प्लान एरिया में, जहाँ पे कि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, और जैसे ही दोस्तों वहाँ पे गर्मी वगैरह पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो ये वापसी आ जाते हैं चूड़धार वाले एरिया में, या हिल एरिया में आप कह सकते हैं। इनको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इनको यहाँ से वहाँ हर जगह जाना पड़ता है। तो आइए इनसे जानते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसको इसको कर रहे हैं एकत्रित। ये इनके छोटे छोटे बच्चे। हेलो, क्या नाम आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? समूना। ओके जी, ओके। अच्छा, इसमें खाने पीने का वगैरह सामान रखते हैं आप, है ना जी? इसको अच्छा, और नीचे जाएंगे क्या कहते हैं अपना पोंटा साइड? अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। और भी कितनी फैमिली, कितने लोग हैं आप फैमिली में? एक ही फैमिली के आप, एक ही परिवार के? नहीं, अलग अलग परिवार, अलग अलग परिवार के आप। अच्छा, अभी गाड़ी इकट्ठी जा रही है यहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। आपके जो बच्चे होते हो स्कूल वगैरह जाते हैं? जाता है। अच्छा, तो जैसे चूड़धार में उधर रहते, उधर तो स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं, तो उधर कैसे फिर कहाँ पे जाते हो स्कूल? फिर नहीं जाएंगे? वही तो कह रहे ना आप, तो फिर नहीं जा पाते स्कूल। आई थोड़ा सा इधर से, जो आपके बच्चे वगैरह होते हैं, मान लो आपके भाई वगैरह छोटे कोई भी होगा ना, तो स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा इनके पास नहीं है? अच्छा, तो मतलब अप डाउन करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, बच्चे वगैरह नहीं पढ़ पाते इनके स्कूल में? नहीं, कैसे पढ़ना ना ऐसे पढ़ाई। हाँ हाँ, चढ़ाई में तो किलोमीटर है। तो कमाई किस चीज़ के थ्रू करते हैं आप? पशु की करते हैं, यानी कि बेचते हैं दूध की। तो जैसे चूड़धार में रहते हैं, वहाँ पे कौन खरीदता दूध आपसे? खोआ बनाते हैं, और बेचने कहाँ जाते हैं? नौराधार। खोआ खोआ के थ्रू चलता सारा कुछ। अच्छा, इसमें घास वगैरह डाली आपने? ये घास तो घास है पशुओं के लिए, जैसे रात रुकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें घास वगैरह डाला हुआ। और कितनी भैंस है आपके पास? 20-25 भैंस है। तो कितना लीटर दूध हो जाता है डेली का? आजकल तो कम है, कम होता है ना आजकल, तो ऐसे 5-7 बड़ी। अच्छा, तो अभी तो 5-7 लीटर तो आपका खुद के लिए हो जाता है? खुद के लिए जी। अभी खोआ वगैरह कुछ नहीं बना रहे ना आजकल? अच्छा, ऐसे अगर थोड़ी गाड़ी मजदूरी कर लेते ना। हाँ जी, हाँ जी, टाइम में जी जी जी, तो पशु का रास। अच्छा, हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने बना रखा था, यहाँ पे रुके हुए थे आप, तो आपने त्रिपाल वगैरह टेंट वगैरह लगाया था कुछ यहाँ पे? अच्छा, वो खाने पीना यहाँ पे बना रहे थे आपने? अच्छा जी, ये सिस्टम था, चलो बढ़िया। कितने लोग हैं आप फैमिली के? फैमिली कैसे है यहाँ यहाँ पे आना जरा भैया? जैसे 3-4 डे रहते हमारे। अच्छा, तो एक ही फैमिली में रहते इकट्ठे ना, मतलब एक ही यहाँ पे रह रहे थे जब जाते हुए बाहर, इकट्ठे ही रुके हुए थे? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजर ही है ना, ये जो गुजर लोग हैं पोंटा साहिब में रहते हैं, और उनको बेसिकली जाना पड़ता है पोंटा साहिब, क्योंकि ऊपर जो हमारा हिल में वहाँ पे गिरती है बर्फ़, इस वजह से जाना पड़ता है नीचे। और उनको दोस्तों इनका कोई परमानेंट नहीं रहते आप कहीं पे भी? नहीं जी नहीं, आपके पास ज़मीन वगैरह कुछ भी नहीं? इनके पास दोस्तों ज़मीन वगैरह भी नहीं। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आग वगैरह जली हुई, जहाँ पे इन्होंने रोटी वगैरह कुछ पकाया होता, ऐसा सिस्टम रहता है दोस्तों। यहाँ से जा रहे तो यहाँ पे अपना डेरा बस ही उन्होंने किया था रास्ते में, जो कि पड़ता है नाहन से पोंटा के बीच, जरूर रास्ता है। अभी कौन सा पड़ाव पड़ेगा नेक्स्ट, कहाँ पे जाएगा अभी आप? आज तो चारना जाएंगे। चारना जाएंगे, रात को चारना, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद डलेनु हरिदास से आगे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद डिलीवर ऐसे करते जाएंगे, यानी कि पोंटा के लिए लग जाएगा आपके पास लगभग 15-20 दिन आगे से आगे जाएगा थोड़े थोड़े। भैंसे वगैरह कहाँ है आपकी? निकल गई आगे। अच्छा, वहीं पे जहाँ पे अभी टक्कर मारी थी दोस्तों, एक चीज़ और भी होती तो ये कह रहा है कि इनके भैंस को भी टक्कर भी मारी गई है। यार ऐसे ही होता है कि गाड़ी लेकर के बंदा निकल गया, अभी पकड़ा गया उसको, लग गया कुछ पता?
ऐसा मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना ही करें यार, क्योंकि इनको भी बेचारों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह आ जाएंगे, स्कूल वगैरह नहीं भेजेंगे आप इनको? नहीं सर, यहाँ पर क्या बच्चे नहीं, तो भेजना तो चाहिए ना आपको फिर। और अगर जमीन मिलती तब तो ऐसे एक जगह ठिकाने एक जगह भेज सकते हैं ना। अच्छा, तुम्हारा ठिकाना तो कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, लेके चले हुए हैं। अच्छा जी, तो फिर अब बच्चे को स्कूल वगैरह नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे तो है अगर हमारा ठिकाना कुछ ना कुछ होगा। ठिकाना नहीं अभी ना कुछ भी है, इस वजह से नहीं भेज पा रहे आप। हाँ जी, तो ये देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अच्छा, खाने पीने का चल पड़ता है इसी से सारा कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं, अगर पशु का जैसे घर के परिवार के पशु देख लेते हैं, एक दो बंदे जाएंगे। दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी में क्या क्या काम करते हैं? जैसे जो भी खेती वगैरह जो भी किसी का भाई जब दिहाड़ी हुआ उस पर क्या सर। चलो ये थी, तो ये थी दोस्तों यहाँ के गुजरों की लाइफ, जो कि हर साल एक परमानेंट ही काम है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। अच्छा जी, चलो बढ़िया। आप परिवार में कितने हैं? एक परिवार में कितने लोग हैं? एक परिवार में 10 भी हैं, 10 भी हैं, 6 भी, ऐसा करके रहते हैं। चलो बढ़िया, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम था आपका? मेरा नाम डोडी। डोडी जी, ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।